करेंगे हम इंटर। वेलकम टू सेब का बाग है, देखो कटिंग हुई है, अब इस पे फूल वगैरह आएंगे। दिन को ट्रैफिक कितनी है और जब सुबह आए थे तब क्या था भाई? इस टाइम हम है संगम में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ज्यादातर कारोबार होता है बैड फैक्ट्री का। भाई आप लोग बोलोगे बार बार एक ही चीज दिखा रहा है, पर चीज है ही बहुत खूबसूरत, इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ। तो वही जैसे कि हमने यहाँ पे रात को किया था ब्लॉग एंड, और करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत बनाल टोल प्लाजा से। अभी हमने किया बनाल टोल प्लाजा पर, जाहिद सोया हुआ है कंबल ओढ़ के, तो सुबह के बज चुके हैं 4:30। तो करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और यहाँ पे करेंगे ये कांटा, क्योंकि जो गाड़ी ओवरलोड होगी वो देख लेंगे। ये किसी भी गाड़ी को बिना कांटे के नहीं जाने देते हैं, कांटा होता ही होता है हर एक का। पहुंच चुके हम बनाल काजीकुंड टंडल, ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड, नो ओवरटेकिंग, टंडल के अंदर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। और देखो भाई क्या लुक है टंडल की, मस्त व्यू आ रहा है, लाइटें बहुत अच्छी दिख रही है। इंटर हो चुके हैं हम टंडल के अंदर, तो दिखाते हैं अभी टंडल से बाहर निकलते। कर लिया हमने टंडल बाहर, 8.5 किलोमीटर टंडल है ये। आ चुके हैं हम काजीकुंड वाली साइड, देखिए आप भाई पहुंच चुके हैं हम काजीकुंड पार करके, और कानवाई रुकी हुई है आज इधर से कानवाई छोड़ेंगे और इस सब भी गाड़ियां निकल जाएंगी। देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं हम पामपुर, तो राइड कंटिन्यू है, सुबह के बजने वाले हैं 6:30। ठंड भी है भाई, है क्या लग रही है ठंड। तो मिलते हैं अभी आपको नौगाम बाईपास में, वहाँ आएगा हमारा व्यापारी, हमें देगा बिल्टी, हम फिर जाएंगे हम आगे नार्मल। आगे हमारे व्यापारी और मिल गई हमको बिल्टी, जा रहे हैं हम अभी नार्मल में खाली करने। पीर का व्यू देखो बिल्कुल शांत। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो चले जाएंगे हम बारामूला, ये वो। यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो चले जाएंगे सिटी में, और हमको जाना है नारवल मागाम वाले रोड पे, तो अपने लिया है लेफ्ट यहाँ से। हमें मतलब यहाँ से एक रास्ता बारामूला चला जाता है, दूसरा रास्ता चला जाता है क्या बोलते हैं गुलमर्ग, हमें गुलमर्ग वाले रोड पे टर्न लेना है लेफ्ट, और वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके आएगा नारवल। तो अभी हम बताएंगे यहाँ से जो रास्ता ले को जाता है वो भी दिखाएंगे। ये आ गया रास्ता यहाँ से ले बांडीपुरा ग्रेज हो जाता है, अगर आपको दिखता हो तो भाई आगे यहां से राइट लीजिए तो जाएंगे ले वाली साइड पे बांडीपुरा ग्रेज, और सीधा जाएंगे बारामूला सोपर कपवाड़ा। हाँ, तो
अभी हमें सीधा ही जाना है, गुलमर्ग वाला रोड भी इसी रोड पे है। भाई क्या मस्त व्यू है सुबह सुबह का कश्मीर का, इसीलिए तो इसको जन्नत कश्मीर बोलते हैं। यहाँ से भाई ले रहे हैं हम लोग लेफ्ट, खप्पे ले आएंगे इतों, सीधा चल जाता अपना कुपवाड़ा सोपर बारामूला, तो खब्बे जाएंगे आई जी गुलमर्ग करेंगे हम इंटर। वेलकम टू गुलमर्ग, पर हमें गुलमर्ग नहीं जाना है, सामने पहाड़ियां दिख रही हैं गुलमर्ग की, क्या मस्त व्यू आ रहा है सुबह सुबह भाई, जन्नत है जन्नत, जन्नत कश्मीर इसको कहते हैं भाई, दिल को छूने वाला है ये जन्नत कश्मीर। हाँ भाई वो जो सामने है पहाड़ दिख रही हैं वो गुलमर्ग में है, इस टाइम हम नारवल में हैं, तो अभी किया पपारी को फोन, बोलते हैं कि आगे आ जाओ थोड़ा रेलवे ब्रिज पार करके, बोला नारवल के लिए, अब बोल रहे हैं कि आगे आओ, कोई समझ नहीं आती है, चलो जो भी है ठीक है, तो मिलते हैं अभी आपको आगे अपने स्टेशन पे पहुंच के, तब तक आप इंजॉय कीजिए कश्मीर का व्यू। बाग है देखो, कटिंग हुई है, अब इस पे फूल वगैरह आएंगे, टाइम लगेगा, वैसे देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मस्त व्यू दिख रहा है बाग का, और सामने गुलमर्ग की पहाड़ियां, लो मजे कर बैठ के। पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल पे, और जब्बा चाइनीज बना रहा है चाय, पानी गर्म कर दिया, ठंड लग रही है, कंबल भी तो ऊपर रखा था, पैर ठंडा हो गया, तो अभी हम बना के चाय पियेंगे क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे, किसी को बताना मत कि यहाँ पे ठंड है, क्योंकि फिर कोई आता नहीं है, तो भाई ठंड बहुत है यहाँ पे, किसी को बहुत बोलना, हाँ बताओगे तो फिर इधर आएगा कोई नहीं कश्मीर में, है ना, हाँ बताना मत किसी को, हाँ किसी को बताना मत ठंड है। आ गई हमारी लेबर, तो खोल रहे हम डाला डूला, डाला कौन डाई भाई, चल आस्था कर ले, ये है हमारी शॉप, ये हमारे भाईजान करेंगे लेबर वाले खाली। फाइनली हमारी गाड़ी की अनलोडिंग हो गई है स्टार्ट, अब देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, दो पार्टी का माल है यहीं पे है, तो अनलोडिंग हो चुकी है हमारी स्टार्ट, मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद। अनलोडिंग कंटिन्यू चल रही है हमारी, अभी तक 16 का 10 का 12 का उतर रहा है माल आस्ते आस्ते, अभी बहुत ज्यादा माल है, लगभग शाम पड़ जाएगी खाली करते करते। नवी गाड़ी बनाने लगे हैं अभी हम, खाना सब्जी बनाएंगे, अंडा कड़ी, तो एक और ये ट्यूब पेस्ट ही वाली गाड़ी बनाएंगे खाना, गाड़ी लगभग आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, चलो देखते हैं क्या बनता है। जयद भैया क्या हाल है, बना रहा जयद भैया सब्जी अंडा कड़ी, कब से बना रहा है, अभी तक बनने पे नहीं आई है, इससे बन गई मेरे ख्याल बन गई, थोड़ा सा भर गया, बन गई, रख दे चावल, अब चावल किधर पड़े,
आ जाओ भाई, किस किस ने अंडा कड़ी खानी है, खाने लगे हैं अभी हम। बुला ले भाई अपने जीजस को बुलाना है, ये उधर सुट पैर खाएंगे हम अंडा कड़ी। और ये बंदा वो है जो प्याज टमाटर ताल ताल के बाहर निकालता है, आपने देखा होगा। जो हमारे सबसे पहले सब्सक्राइबर होंगे, जो जहां हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था सोपर मंडी से, ये वही इंसान है मिस्टर जाहिद। एक एक प्याज को बाहर निकालता है फिर खाना खाता है। तो अभी हम करते हैं काम शुरू, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। एक मिनट, बज चुके हैं 3 और गाड़ी हमारी हो चुकी है खाली। अब लेंगे हम यहाँ से बाड़ा, गाड़ी हमारी वो खड़ी है पीछे, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। कश्मीर से इस साइड को हम जाएंगे अब वापस जम्मू को। भाई गाड़ी हो चुकी है हमारी अनलोड और हम निकल चुके हैं यहाँ से बाड़ा बोड़ा लेके, और जा रहे हैं हम अभी लाइन में। आज कानवाई भी है तो हमारा कुछ पर्सनल काम है काजीगुंड में, तो हमें रुकना पड़ेगा। देखेंगे गाड़ी कहीं आगे लग खड़ी करेंगे जाके, फिर तो रुकेंगे, तो करते हैं अपना सफर कंटिन्यू एक बार फिर से जम्मू की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, कश्मीर का व्यू देखना हो तो। पहुंच गए भाई हम नारवल में, और क्या मस्त लुक आ रही है आगे, सामने जो पहाड़ दिख रहा है, देखने वाली चीज है भाई, क्या लुक है यार, मानना पड़ेगा इस बात को, कश्मीर जन्नत है। अरे भाई यहाँ से लेंगे हम राइट जम्मू की तरफ, मतलब कश्मीर की तरफ, तो अगर लेफ्ट लेंगे तो जाएगा अपना सोपर, बारामूला, किश्तवाड़, तो यहाँ पे करते हैं हम वीडियो का एंड। सुबह इस रोड का क्या व्यू था जब सुबह आए थे, तो अब इस रोड का क्या व्यू है, मतलब सुबह इतनी सुनसान था और अब इतनी गाड़ियां घूम रही हैं, मतलब चहल पहल है, क्या मस्त व्यू है भाई। इनको ट्रैफिक कितनी है, और जब सुबह आए थे तब क्या था, इसी रास्ते से हम आए थे और इसी रास्ते से जा रहे हैं, मतलब दिन को क्या था अब क्या है, सुबह क्या था और दिन को क्या है, देख लो भाई। लो जी
आ चुके हैं अपने बाईपास पैंथा, जो मामपुर का बाईपास है भाई ये, और सामने खड़ी है बकार वाली गाड़ी। इसको कोई मैकेनिकल फॉल्ट था तो किसने करवाया गैरेज में चेक, और अभी भी हाथ मार रहा है ऐसे ऐसे करके। ये खड़ा बंदा इधर अभी तक कार की वही गड्डी खाली नहीं हुई है, तो अभी ये जाएगा दोबारा वापस नौगाम चौक को, वहाँ पे जाके करवाएगा, करेगा व्यापारी को फोन, कहीं बताएगा वो कहाँ खाली कर रही है। ये है केसरवाड़ी श्रीनगर में, जहाँ से केसर निकलता है, बहुत ज़्यादा केसर निकलता है यहाँ पे। देखो क्या मस्त व्यू है इस जगह का, और यहाँ से ऑल इंडिया केसर सप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे केसर की पैदावार होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए केसर बाड़ी, मिलते हैं अभी आपको आगे। आ गया वापस। भाई इस टाइम हम है संगम में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ज्यादातर कारोबार होता है बैट फैक्ट्री का, बैट का, बैट बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, क्रिकेट वाले बल्ले। तो देखिए यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर घर घर में बैट का काम होता है, यहाँ पे बैट ही बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, इनका कारोबार ही मेन यही है। क्रिकेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफिस है यहाँ पे। तो मस्त व्यू है शाम का, देखिए कितना अच्छा मौसम है, बादल है यार। कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आओ लोग यार, कितना मतलब कितना मस्त व्यू है यार। देखो भाई ये है मौसम घूमने वाला, और कितना प्यारा रोड की लुक लग रही है, मतलब लाजवाब है यार, औसम। मस्त व्यू है, मस्त। देखिए भाई मतलब पैसे वसूल, हम तो पैसे कमाने ही आए थे, हमारे क्या वसूल है। एक तो हम पैसे भी कमाने आए हैं, एक हम घूम भी रहे हैं, मतलब देखो कितना अच्छा है यार। लोग तो पैसे खर्च के आते हैं, हम पैसे कमा के जा रहे हैं और साथ में मजे लेके जा रहे हैं। ये देखो नजारे, और ये किश्तियां देख रहे हो, ये रेता निकाल रही है, बिजनेस कर रही है। देखो भाई यार, ऐसी चीज कभी नहीं मिलेगी। ओ जाहिद भैया उठ के देख ले यार, तुम ही ले ले मजे। देखिए हर घर घर में बैट, हर घर घर में बैट का काम होता है यहाँ पे। इतनी नजर मारोगे, कितनी अच्छी मस्जिद है। रात को इस मस्जिद का इतना अच्छा व्यू था, पर मेरे उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो दिखाता आपको। हमारा तो बस वही एक ही कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा आपको व्लॉग बना के दिखाएं, पर क्या करें, जैसा कैसा बनता है। अगर अच्छा लगता है तभी बताया करो, कोई कमी हो तभी बताया करो। ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हर घर घर में बैट का ही काम होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ ये एरिया थोड़ा सा जितना भी है यहाँ पे ज़्यादातर बैट की ही, मतलब घर घर पे बैट ही बनाए जाते हैं, इनका मेन बिजनेस ही बैट है। देखो
हर घर के छत पे बैठ के बना के, मतलब पूरा तो नहीं बने हैं, मतलब बना के सुखाने के लिए ऊपर रखे हैं। क्या यार, मतलब क्या मस्त लग रही हैं, क्या मस्त लुक दिख रही है। ऐसी चीज कहाँ मिलेगी यार इंडिया में, कहीं भी नहीं ऐसा मौसम, मौसम भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। बस देखो यार, है ना प्यारी, कमेंटो करके बताना जरूर भाई। आप लोग बोलोगे बार बार एक ही चीज दिखा रहा है, पर चीज है ही बहुत खूबसूरत, इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ। देखे कितना मस्त व्यू आ रहा है पहाड़ों का, पीर पंजाल के पहाड़ है ये, इसके उस साइड मतलब जम्मू की हद है, इस साइड कश्मीर की हद है, मतलब ये है जम्मू और कश्मीर की हद बंदी, पीर पंजाल के पहाड़ों के उस पार और इस पार। इस पार कश्मीर, इस टाइम हम कश्मीर में हैं, पहाड़ के उस पार जब चले जाएंगे तब हो जाएगा जम्मू, मतलब वो जम्मू में आ जाएगा। और देखिए पीर पंजाल के पहाड़ के पहाड़ों की खूबसूरती, और लीजिए मजा। टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे अब हमें, क्या बोलूं, बार बार कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या बोल सकते हैं। मीर बाजार, तो भाई बार बार मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा है कि क्या लुक लग रही है आगे पहाड़ों की। तो आपको एक बार दोबारा मैं बोर करने वाला हूँ, टाइम लैप्स मतलब स्पीड में वीडियो बनाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आ रहा यार, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो स्पीड में वीडियो बना के एक बार दोबारा आपको बोर करूंगा। पहुंच चुके हम काजीकुंड टंडल पे, तो आज रात हमारा स्टे यहाँ पे ही होगा, टोल पार कर लेंगे, क्योंकि हमने रात को 12 बजे टोल पार किया था, और अब मतलब सुबह किया था 4 बजे, तो अब दोबारा मतलब 24 घंटे के अंदर टोल फ्री रहता है, तो इसलिए टोल पार करके रुकेंगे हम, तो यहाँ सो जाएंगे हम लगा के। कल हमारा थोड़ा सा यहाँ पे काम है कोर्ट में, काजीकुंड कोर्ट में, तो वो निपटा के फिर निकलेंगे जम्मू की तरफ, तो मिलते हैं। पहुँच गए हम यहाँ पे टोल पे, और आज के ब्लॉग का करेंगे हम यहाँ पे एंड, क्योंकि सुबह मुझे काम है यहाँ काजीकुंड कोर्ट में, तो आज हम रात यहीं पे रुकने वाले हैं। तो भाई चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूले, क्योंकि ब्लॉग मैं और जाहिद बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, और बताएं कमेंट में कैसा लग रहा है आपको हमारे ब्लॉग्स। तो भाई जहाँ पे हम रुके हैं ये टोल है, टोल है, और करते हैं हम इस ओला का यहाँ पे एंड। गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।